एक वीडियो में कई सारे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है, परीक्षा से रिलेटेड, लंबित परीक्षा से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। और देखिए, ये इन्फॉर्मेशन जो है कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से लेकर आए हैं, ठीक है, मतलब कि जेपी यूनिवर्सिटी का जो कंप्यूटर सेंटर है वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमारा एक एक इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। और दूसरी बात यह है कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स जो अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो सब्सक्राइब कर लो। पिछले 3 साल से जेपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूं और इस चैनल पर 50,000 ऑडियंस हो चुकी है, ठीक है। 50,000 ऑडियंस का मतलब यह है, अब ये 50,000 तो हो गया है, लेकिन इसका अब ये टारगेट 50,000 तक का नहीं है, 1,00,000 तक का है, ठीक है। तो आपको 1,00,000 करना है। ये आप लोगों को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन, सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। जेपीयू लंबित परीक्षाओं के आयोजन के लिए निगरानी, सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों, यहां पर मैं बात करूंगा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में सभी उत्तर पुस्तिकाओं का स्टॉक खत्म हो गया है। यूजी व पीजी की लंबित परीक्षाओं के आयोजन के लिए निगरानी न्यायालय व राजभवन की ओर से विश्वविद्यालय प्रशासन तक टकी लगाए बैठे हैं, क्योंकि वीसी का पावर सीज है, तो टेंडर है कि टेंडर के लिए राजभवन से आदेश मिलना जरूरी है। देखिए, सभी उत्तर पुस्तिका घोटाले में निगरानी द्वारा सील की हुई उत्तर पुस्तिका का फिलहाल एक परीक्षा कराई जा सकती है, लेकिन वह भी न्यायालय व निगरानी से आदेश लेना होगा। इन सब तकनीकी कारणों की वजह से स्नातक व स्नातकोत्तर समेत अन्य परीक्षाओं के आयोजन में देरी हो रही है, ठीक है। लंबित सत्रों की परीक्षाओं का दबाव बढ़ता जा रहा है। मालूम हो कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय में शादी उत्तर पुस्तिका नहीं होने के कारण स्नातक स्पेशल परीक्षा तृतीय खंड नहीं हो पा रहा है, वहीं स्नातक 17-18-21 तृतीय खंड की परीक्षा बाधित है, ठीक है। अब स्नातक तृतीय खंड और 19-22 प्रथम खंड और 20-23 स्नातक प्रथम खंड, 21-24 व बीएड द्वितीय खंड की परीक्षा भी बाधित है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ पर सुनिए, दिसंबर तक लंबित परीक्षाओं व परिणामों को करने का वीसी ने शिक्षा मंत्री को किया आश्वस्त, ठीक है। अब यहाँ पर सुनिए, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति ने शिक्षा मंत्री के आश्वस्त किया है, दिसंबर तक सभी लंबित परीक्षाओं व परिणाम जारी कर देंगे। सवाल यह है कि जब कॉपी ही नहीं है तो परीक्षा कैसे ली जाएगी। स्नातक फाइनल ईयर की परीक्षा का सब कुछ तैयार है, पर लेकिन परीक्षा नहीं ली जा रही है। कुलपति प्रो फारूक अली को 1.5 वर्ष से वित्तीय व प्रशासनिक निर्णय लेने पर रोक है। स्नातक व स्नातकोत्तर का सत्र बहुत ही लंबित है, विलंब है, जी हाँ, विलंब से चल रहा है। UMIS के द्वारा स्नातक प्रथम खंड और स्नातकोत्तर, जी हाँ दोस्तों, प्रथम सेमेस्टर बीएड प्रथम वर्ष का अंक पत्र फोटोकॉपी वाले पन्ने पर भेजा गया है, ठीक है। अधिकतर छात्र छात्राओं को अभी मिला भी नहीं, जी हाँ दोस्तों। PhD एंट्रेंस एग्जाम का सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी किया गया था, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी अभी तक छात्र छात्राओं को नहीं दी गई है। वेबसाइट से सर्टिफिकेट भी हटा दिया गया है। एंट्रेंस एग्जाम के नाम पर छात्र छात्राओं से 2500 से 1500 रुपये लिया गया था, ठीक है। ये बड़ी बात है, इस बात को भी छात्रों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे चैनल पर एक एक इन्फॉर्मेशन जयप्रकाश विश्वविद्यालय से रिलेटेड दिया जाता है। तो शादी उत्तर पुस्तिकाओं घोटाले के मामले में सीज कॉपियों को रिलीज करवाने की पहल, कॉपियों की खरीदारी के लिए टेंडर को राजभवन से आदेश लेने को भेजी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए यार दोस्तों, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का दिया हुआ है। आपको बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि आप लोगों के लिए जेपी यूनिवर्सिटी द्वारा एक एक इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। आप लोग चिंता ना करें, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए धन्यवाद, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय।